तथा इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखें, यानी विटामिन ए के प्रमुख स्रोत के बारे में बतलाना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बतलाना है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन बीमारी होता है, उनका नाम आपको लिखना है, यानी नाम बतलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विटामिन ए के मुख्य या प्रमुख स्रोत जो है आपका निम्न है। मछलियों का यकृत तेल से आपको विटामिन मिलता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। मांस, अंडे, दूध, मक्खन, पालक, गाजर, कद्दू, पपीता, आम इत्यादि से आपका विटामिन ए प्राप्त होता है। ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो इन स्रोतों को आप याद रख लेना। और साथ ही साथ विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां निम्न है। रतौंधी, संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाना, शिशुओं की वृद्धि मंद होना तथा त्वचा का शुष्क होना। ठीक है, ये सारे विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत यहाँ पे लिखा हुआ है और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां का नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो इनको जो है ना आप पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। आपका प्रश्न है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत और इनके कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखना है, तो प्रमुख स्रोत में आप लिखोगे मछलियों का यकृत तेल से भी विटामिन ए प्राप्त होता है, मांस से भी, अंडे से, दूध, मक्खन, पालक, गाजर, कद्दू, पपीता, आम, इन सभी से जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां जो है इस प्रकार आपके सामने है। रतौंधी हुआ, संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाना, शिशुओं की वृद्धि मंद होना तथा त्वचा का शुष्क होना। तो ये सारे आपका जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां है। तो चलिए आज का क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।